अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तुम सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। जिस भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। टेल मी कुत्ता। गाल नहीं कटनी। और कुत्ते आते रहते। वो जेल में एक फितना बैठा हुआ है यार। फितने के लफ्ज से बड़ा डर लगता। क्या काम कर रहा है? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਵੀ ਠੋਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ ਤੇ ਜਿੰਨ ਭਾੜੂ ਰੱਥਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸकी ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਖਬਰ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੂੰਹ ਛਪਾਤੇ ਫਿਰਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੇ ਕਰਤੂਤੋਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੂੰਹ ਛਪਾਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰ ਯਾਰ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਰਹੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖ ਛੜਿਆ ਨੇ। ਔਰ ਭੌਂਕਤਾ ਕਿਸ ਪੇ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਪੇ ਹੈ। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। देखो यार कितना बड़ा धोखा दे रहे हो यार, मेरा दिमाग खराब है। भौंकता किस पे? हजरत सुल्तान ने बाहू पे। या बाबुल हक बेड़ा तक जेड़ा मैं डोब देता। भौंकता किस पे हजरत जी? है नहीं हजरत बायज़ीद पे। रखो ना अपने बच्चों के नाम यज़ीद। बस इतना ज्यादा नहीं, ज्यादा आगे नहीं जाऊँगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? ये वो किया उन्होंने, ये फकीर का अगला वर्जन है। समझ रहे हैं ना? हाँ, उसी उसूल और मुवादी पे इल्जामी जवाब। आपके मुल्क पाकिस्तान में लाहौर में वो दरबार है, अलमारूफ दाता दरबार, सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी अलमुतवफ़ा 465 हिजरी। उन्होंने कशुल महजूब लिखी है और उसमें वो बायजीद बुस्तामी के हवाले से लिखते हैं कि बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि जब मैं पहली दफा हज के लिए गया ना, तो मैंने जो है ना वो काबा देखा और काबे के रब को नहीं देखा। अब ये कौन सी डिमांड है यानी कि वहां पे कोई? और कहते हैं फिर जब मैं अगली दफा गया ना, तो पहला आज तो कहते मेरा जाया गया, अगली दफा गया तो मैंने बैतुल्ला को भी देखा और बैतुल्ला के रब को भी देखा। और ये वो दावा ख्वाब में नहीं कर रहे, बेदारी में कर रहे। तो कहते हैं कि जी मैंने कहा ये भी, इस दफा भी हज मेरा गया, क्योंकि ये तो शिर्क हो गया, काबा भी और बैतुल्ला भी, यानी जिन लोगों को इन चीजों की समझ नहीं है। और फिर कहते हैं जब तीसरी दफा गया ना, तो काबा गायब था, सिर्फ अल्लाह को देखा। तो कहते हैं फिर भी मेरा हज नहीं हुआ क्योंकि उसमें मैं मौजूद था। ठीक है ना? तो अब ये वो एक कहानी है और ये इतनी अजीबोगरीब कहानी है कि अक्सर लोग सुन के इसको सुभान अल्लाह कहते हैं कि पता नहीं कितनी को बड़ी इल्मी को बात कर दी थी। अब ये जज्बाती जुमले तो ठीक है, क्या शरीयत में भी ठीक है? ये मैं आपको मिसालें दे रहा हूं कि जो ये सुफिया की तरफ मंसूब करते हैं कि उन्होंने वाह वाह क्या मार्फत की बात की, इस तू वड्डी चवला मैं मार सकना अल्लाह फजल नाल, तुहाडी तो ज्यादा अकल है मेरे कि मैं इस तू वड्डी चवल मार लवा, लेकिन उसे निकलेगा के وظننت انا اني بذلك حست غنى فوجدت اني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نستعد جمالا جوهرنا هنا تسر اسارير وجه صبيح امين